ये 2024 के पहले भी ऐसे कुछ होगा इस देश में। डूब के मर जाना चाहिए, मौत पर राजनीति करना छोड़ दो। देश का जवान जब देश की सरहद की रक्षा करते हुए या देश के दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद होता है तो हम कहते हैं कि मां भारती का लाल शहीद हुआ, भारत ने अपना बेटा खोया। लेकिन देश के नेता आज राजनीति में शायद शहादत की भी कीमत खोजते हैं। ऐसे वक्त में कबीर का वो दोहा याद आता है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी पर। दिन की सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं, श्वेता भट्टाचार्य। जाति न पूछो शहादत की। आज अपने मेहमानों से, अपने दर्शकों से, अपने नेताओं और अपने देशवासियों से बस यही कहना चाहूंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे राजनेता हैं जिन्हें देश के वीर जवानों के शौर्य और शहादत से ज्यादा उनकी जाति की चिंता सताने लगी है। अगले एक घंटे तक इसी चिंता पर हम चिंतन करेंगे। बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। और आप कहते हैं आजादी नहीं। डॉक्टर साहब के ट्वीट के बाद क्या लगता है आपको? ये कांग्रेस के डॉक्टर उदित राज साहब हैं, जो जवानों की शहादत में भी तीन शब्द ढूंढते हैं, SC, ST और OBC। शहादत को जातियों के खेमे में बांटने की सियासत खुलेआम सोशल मीडिया पर की जा रही है और कहते हैं आजादी नहीं। 14 फरवरी 2019 को हुआ तो बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे देश में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ये विपक्ष का काम है, पक्ष का काम है कि तुरंत सख्त पता लगाते। तो ये तो पक्ष और विपक्ष का दोनों काम को अपने ऊपर डाल दिया और उससे चुनाव जीते। तो जो राहुल जी ने उठाया है हम पूरा समर्थन करते हैं, जांच होनी चाहिए, वरना ये 2024 के पहले भी ऐसे कुछ होगा इस देश में। तो नेताजी को भविष्यवाणी भी करना आता है और ऐसी वैसी नहीं बल्कि 4 सालों के बाद की भविष्यवाणी। प्रभु, आपको तो सेना का सलाहकार होना चाहिए। आप जैसे अंतर्यामी अगर सेना में आ जाएं तो कोई हादसा होने से पहले ही साहब आगाह कर दें। और बीजेपी है कि विरोध पर विरोध किए जा रही है। इतने बड़े दल के नेता, उन्हें हर चीज में, मौत में भी राजनीति दिखाई देती है, क्योंकि उनकी नींव ही उसी पे खड़ी है। 1947 में पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने, उस समय भी कत्लेआम हुआ। 1984 में सिख दंगे हुए, कत्लेआम हुआ। उन्हीं के राज में वोट के लिए कश्मीर के लाखों लोग केवल बेघर नहीं हुए, सामूहिक नरसंहार हुआ, बलात्कार हुआ। डूब के मर जाना चाहिए। राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनको जिस तरह का बयान देते हैं या बाकी लोग जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं, वो पाकिस्तान के लोगों के लिए एक आधार बनता है कि वो भारत के खिलाफ जहर उगलने का। तो ये लोग, चाहे राहुल गांधी का बयान हो, चाहे उदित राज का बयान हो, यह पूरी तरह से आप एक तरह से कह सकते हैं कि देश के खिलाफ बयान है और इसकी भरपूर निंदा की जानी चाहिए। इनकी जितनी इन बयानों की जितनी मजम्मत हो। देश में जब कोई जवान शहीद होता है तो दिल से आवाज निकलती है, भारत माँ का कोई लाल शहीद हुआ। लेकिन नेताओं की आंखों से घड़ियाली आंसू के बाद जुबान से सवाल निकलते हैं। सवालों में अक्सर धर्म और जाति का जिक्र होता है। ये कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। अभी तक सुना ही था कि सियासत सिर्फ अपना फायदा देखती है, लेकिन सियासत में फायदा तलाशने के इस दस्तूर के किस्से पुराने हो चुके हैं।
अब फायदे के लिए जब नेता जवानों को हिंदू मुसलमान में बांटने लगते हैं और शहीदों को जाति के टुकड़ों में तोड़ा जाना शुरू हो जाता है तो यकीनन सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। लखनऊ से आदित्य द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। R9 टीवी के कुछ सवाल आपके सामने रख रहे हैं, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा जो है वो चलेगी। शहीदों की जाति क्यों पूछ रहे हैं नेता? क्या फौजियों को धर्म में बांटना जायज है? शहीदों के लिए नेताओं के दिल में कब सम्मान होगा? जाति और धर्म से ऊपर उठकर कब सोचेंगे हमारे नेता? तो इन्हीं सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जो हैं वो जुड़ रहे हैं। चलिए इंट्रोडक्शन करा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के लीडर संजय गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक और वरिष्ठ पत्रकार अनिल मिश्रा, साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर पवन सोम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और दो डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, रिटायर्ड कर्नल संतपाल यादव और रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह। स्काइप के जरिए हमारे साथ बीजेपी के लीडर जुड़े हैं संदीप दुबे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो संजय गुप्ता जी, आज आप ही का दिन है, आप ही के पास आना चाहूंगी। पहले राहुल गांधी, उसके बाद उदित राज, रिएक्शन चाहूंगी सर। उदित राज ने जो कहा, जैसे उदित राज ने कहा कि वो राहुल गांधी के बयान को सपोर्ट करते हैं, आप क्या उदित राज के बयान को सपोर्ट करते हैं? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि इसके अंदर ये भी जो बयान आपके सामने है, इसके अंदर सेना, मैं इस बात को भी जरूर मानता हूँ कि सेना सब चीजों से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि सेना एक ऐसा इस देश का अंग है जिसके ऊपर सभी भारतवासियों को नाज भी है और सेना के लिए चिंतित तमाम समाज, तमाम राजनीतिक दल उनके लिए चिंतित भी हैं। और जहाँ जहाँ ये महसूस होता है कि उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिल पा रहा है, या जहाँ जहाँ पे उनके लिए जो और बेहतरी होनी चाहिए, या उनके लिए सम्मान होना चाहिए, या उनके लिए जहाँ इंक्वायरी में, जाँच में किसी चीज़ में अगर कमी है तो उस पर हमें बात करनी चाहिए, और जहाँ जहाँ बेहतर हो सकता है जहाँ जहाँ उनके बारे में, क्योंकि सेना के सम्मान के विषय में मैं समझता हूँ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज देश में नहीं होना चाहिए। बस सेना के सम्मान के विषय में या सेना को लेकर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिंदु अगर निकाले सर आपकी बात का, तो यही निकलता है निष्कर्ष, तो यही निकलता है कि जांच होनी चाहिए थी, चीजें सामने आनी चाहिए थी, और कहीं भी सेना के जो हमारे लोग हैं जो शहीद हुए, उनके उनकी जांच की, देखिए इतना आरडीएस कहां से आया, उन लोगों की ये सब तो सुरक्षा के विषय पे चिंतित हो जाना लाजमी है। तो कुल मिलाकर आपने ना खंडन किया उदित राज के बयान का, ना राहुल गांधी के बयान का, लेकिन इस पॉइंट पर आप आ गए कि जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। संदीप दुबे, आपको क्या लगता है, राजनीति हो रही है? इतना बड़ा बयान, 2024 के पहले कुछ भी हो सकता है, और सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर आरोप लगता है सर कि इसके पहले भी राहुल गांधी कह चुके हैं कि दलाली करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया था उस वक्त भी याद होगा, अब राहुल गांधी के बयान के बाद फिर उदित राज अब सामने आ गए उनके सपोर्ट में, क्या कहेंगे? संदीप दुबे, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अभी आ रही है सर, आपने सवाल सुना? हाँ, मैंने पूरा सवाल सुन लिया जी। देखिए, हम बार बार एक ही विषय को कह रहे हैं, जो कांग्रेस के मित्र लोग हैं वो आत्मचिंतन नहीं कर रहे हैं, अवलोकन नहीं कर रहे हैं। राजनीति में, राजनीतिक पार्टियां इस देश में राजनीति करती हैं, हमारी आप बुराई करिए, हम आपकी बुराई करते हैं। लेकिन रही बात सेना की, तो मैं पूछना चाहता हूँ, इंदिरा जी की हत्या हुई थी, किसको फायदा हुआ था? पूर्व प्रधानमंत्री हमारी थी, राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या हुई, किसको फायदा था? आप याद करिए, लाल बहादुर शास्त्री जी की इस देश में प्रधानमंत्री रहते, वो नहीं रहे हमारे बीच, उनमें किसका फायदा हुआ था? ये देश अगर है तो इस देशवासियों का नफा नुकसान होता रहेगा। अगर इस देश के बारे में हम नहीं सोचेंगे, सिर्फ नफा नुकसान के बारे में, अपने हित को, व्यक्तिगत हित को इतना ऊंचा कर लेंगे कि ये राष्ट्र का हित दब जाए, तो ऐसे विषम परिस्थिति में सोचने की जरूरत है कि राजनीति करने वाले हमारे राजनेता और जिनको हम आदर्श मानते हैं, वो लोग किस ओर जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस की मानसिकता आज विक्षिप्त हो गई है, इनके प्रकरण उसे सत्ता चाहिए, सत्ता के बगैर वो रह नहीं सकती। और एक बात तो समझने वाली है इस देश में, देखिए
आज का युवा पीढ़ी एक आदर्श ढूंढ रहा है और उस राजनीति के आदर्श पे जिस तरह से विपक्ष की तरफ से हरास हो रहा है राजनीति को लेके और मोदी जी का विरोध करते करते ये लोग तब इस देश का विरोध करने लगते हैं, कांग्रेस को पता नहीं चलता है। और कांग्रेस ने ऐसे ऐसे सपोले पाल रखे हैं कि पाकिस्तान में जाते हैं, पाकिस्तान की मीडिया को कहते हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री को चेक रखे। जरा शब्दों का ख्याल रखें आप, संदीप भाई आप अच्छे प्रवक्ता हैं, जरा शब्दों का जरूर ध्यान रखिए आप, नहीं तो जब अपने बारे में आप सुनते हैं तो बड़ा आपको बुरा लगता है। किस तरह की भाषा आप बोल रहे हैं आप और आरएसएस, कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि देश की जनता को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। नहीं, ये शब्द, ये आइडियल चीजें पेश कर रहे हैं, वो मैं आऊंगी संजय जी, आप उनसे निपट लीजिए। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ये शब्द अच्छे नहीं है और ये राष्ट्रीय चैनल में बहस करने वाले शब्द नहीं है और ये आरएसएस की किस तरह, यही तो बात है सर, इस बार तो आप लोग देखते ही नहीं है ना। अनिल मिश्रा, किस तरह के शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। कमेंट लेने दीजिए, मुझे कमेंट लेने दीजिए। किस तरह के शब्द आप यही कह रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं बौखलाहट में ये सरकार में बैठे लोगों के शब्द देखिए। अनिल मिश्रा जी, दोनों पार्टियों की अपनी बात सुनी, ये फर्स्ट रिएक्शन जो मैंने संजय, संदीप जी आऊंगी आपके पास, संदीप जी आऊंगी, पार्टी जीती है उस पे जश्न मना रही है, आऊंगी संदीप जी, ऐसे आपके भी पार्टी की बात कर लूंगी सर, आपके भी पार्टी की बात कर लूंगी, हम तो लेवल देख रहे हैं सर, अब और कितना लेवल देखने को बचा है यही तो देखना है। किस अनिल मिश्रा जाके बात करेंगे, जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के रिएक्शन सुने हैं, एक तरफ कांग्रेस जो है आरोप लगा रही है राहुल गांधी का, नहीं आरोप नहीं लगा रहा मैडम, मेरी ये बात है, रिएक्शन में ले रही हूँ, आप जब मुझे कोर्ट कर रही हैं, वही कह, प्लीज 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 प्लीज, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं राहुल गांधी की बातों को कोट कर रही हूँ, तीन सवाल जो राहुल गांधी ने रोकना चाहिए ना, जिस तरह के शब्द ये प्रयोग कर रहे हैं आपके चैनल पर, आपको जब मौका दूंगी आप उनसे वो सवाल पूछ लीजिएगा, बिल्कुल पूछ लीजिएगा। अनिल मिश्रा जी, जिस तरह से एक सेंटेंस में मैंने पूछा कि क्या अब उदित राज के बयान के साथ हैं या खंडन करते हैं, उसका जवाब नहीं मिला, हालांकि तमाम तरह की बातें संजय गुप्ता जी ने कह दी। संदीप जी अब ये कह रहे हैं कि इन्हें सत्ता नहीं मिली है ये, लेकिन ये वही भी सपोले कह रहे हैं, आप इस पर चर्चा नहीं कर रही है, ये विपक्षी पार्टियों को सपोले कह रहे हैं, मैं पूछ लूं इसकी, इनकी भाषा की शब्दों बात नहीं कर रहे हैं, मैं उसी को कोट कर रही हूं, क्योंकि शब्दों को कोट करना जरूरी नहीं है, मैं दोनों के बयान को कोट कर रही हूं, प्लीज। और अगर विपक्ष में आदमी एक शब्द कहेगा तो ये इन लोगों की शब्द ठीक नहीं है, बोल लेने दीजिए दूसरों को भी। अनिल जी, दोनों के बयान को सुना आपने, ये लेवल अब हो गया है, अब हम क्या उन प्रोफेशंस में भी घुस जाएंगे, कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो जाति धर्म सबसे ऊपर होती हैं, लेकिन क्या अब राजनीति में कुछ भी नहीं बचा है जो अब इस पर राजनीति होगी और उसको भी एक एक सही ठहराता है, दूसरा उसके साथ खड़ा नजर आता है और वही बीजेपी कहती है कि हम नहीं भाई ये राजनीति कर रहे हैं, कर तो दोनों पार्टियां रही हैं, तमाम पार्टियां कहें कि जाति के नाम पर आज कौन सी पार्टी राजनीति नहीं कर रही है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, देखिए देश का दुर्भाग्य है और देश ही नहीं है, हम लोगों का दुर्भाग्य है कि आज हम लोग इस माहौल में जी रहे हैं। मतलब सोचिए एक आम आदमी की फीलिंग क्या होती है। मैं स्टार्ट यहीं से करता हूं कि राहुल गांधी जी ने कल जो बयान दिया है निश्चित रूप से निंदनीय है, अति निंदनीय है, और शायद उनको बोलने के पहले थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए था, लेकिन अगर कहीं आज उनके ही पार्टी के सांसद और उदित राज उससे कहीं 10 कदम आगे निकलकर जो एक नया चित्र उन्होंने पेश किया है, तो हास्यास्पद के साथ ही ये हमारे देश की सोच का कहीं ना कहीं एक परिलक्षित करता है कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। हमारे देश का इतिहास रहा है केवल 2 डिपार्टमेंट रहे हैं, एक सेना और एक जुडिशरी, जो कभी भी राजनीति या समाज में मिलकर नहीं चलते तो हमेशा एक साइड में रहकर चुपचाप जिसको कहते पे सवाल हाँ पर्दे के पीछे रहकर काम किया करते थे और पूरे देश को इन पर एक मत विश्वास था। लेकिन आज देखिए क्या स्थिति आ गई है कि राहुल गांधी जी ने कल ये बयान दिया, उदित राज ने ये दिया, अभी आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि उससे एक हाथ आगे जाके वो ऐसी ये वर्णन करते हैं कि कारगिल में केवल एक ही धर्म के लोग थे जो लड़ाई लड़े थे, तो ये जो है। लेकिन ये बयानबाजी के पीछे आप देखिए अब नेताओं का कोई एक इसको कहते हैं ना नियंत्रण नहीं रह गया अपनी जुबान पर, और किसी भी पार्टी का किसी नेता पर नियंत्रण नहीं रह गया, चाहे वो सेना पे हो या जुडिशरी पे हो। वरना आप देखें इसी तरह की बातें अगर हम, जैसा कि कांग्रेस ने किया, मैं बिल्कुल कह रहा हूं निश्चित रूप से निंदनीय, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव से लेकर अभी 2 दिन पहले की अगर आप खबर देखें तो जिस तरह से हमारे एक मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश के देवबंद में जाके जो बयान देते हैं, तो कितना मतलब एक आश्चर्य होता है कि आप अपने भारत देश के अपनी जमीन पर खड़े होकर अपने ही लोगों के लिए किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।
राहुल गांधी का कल ये कहना है कि इससे किसको फायदा होता है, तो ये उनकी कहीं ना कहीं नासमझी है। आप पर कोई शक है? दो सवाल तो राहुल गांधी के जायज हैं। अगर आप एज ए पॉलिटिशियन उठा रहे हैं तो बाकी के जो दो सवाल हैं वो जायज नहीं। मैं उसी पे आ रहा था, बिल्कुल राहुल गांधी अगर यही एक लाइन न बोलकर बाकी अगर वो दुख के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते और एक विनम्रता से सरकार से या मोदी जी से अनुरोध करते कि साहब हमें दुख है, साल भर बीत गए, अभी उसकी जांच का या कोई रिपोर्ट नहीं आया, हम आपसे एक गुजारिश करते हैं कि उस पर जांच करें और रिपोर्ट लाएं और भविष्य में ऐसी कोई घटना न होने पाए इसके लिए हमें कोई उपाय, दृढ़ उपाय करना चाहिए। लेकिन वो उनका बोलना उसके बाद उनके कार्यकर्ता का सवाल ही ऐसा था सर, उसी पर तो आपत्ति हो। उनके कार्यकर्ता और उदित राज आखिर उनको हिम्मत कहां से मिली बोलने की, क्योंकि कल उन्होंने उनके इतने बड़े नेता ने बोला तो आज उदित राज उससे एक हाथ आगे निकल गए। तो नेताओं में ये अपनी पार्टी में बिगड़े बोल पार्टी लाइन फॉलो कर रहे हैं ना सर, कहीं ना कहीं तो पार्टी लाइन फॉलो कर रहे हैं कि जब हमारा बड़ा लीडर ये बोल रहा है तो हम भी बोल के थोड़ा अपना कद बढ़ा ले। संत पाल जी, एज अ रिटायर्ड कर्नल क्या फीलिंग आती है सर जब ऐसा बयान आपने सुना, तो मैं जानना चाहूंगी मनोदशा क्या होती है, कैसे फील करते हैं सर कि इतना टाइम इतना वक्त देश की सेवा के लिए दिया और इस तरह की राजनीति हो रही है। ये हमारे देश के लीडर हैं क्या, वाकई में ये लीडर कहलाने लायक हैं जी, क्या फीलिंग होती है सर? श्वेता जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और विश्व को ये बात बताना चाहता हूं, सैनिक की जो जाति और धर्म सिर्फ एक देश होता है, राष्ट्र होता है, और वो राष्ट्र पुत्र है और सैनिक का उसका धर्म और जाति पराक्रम, शौर्य और साहस होता है और वीरता और विवेक होता है। हमारी सेना अपॉलिटिकल है। मैं आपको बताऊं 65 के अंदर 71 के अंदर जो सीनियर कमांडर थे एक पारसी थे, एक ज्यू थे, एक सिख थे और हिंदू भी थे, जो टॉप लीडरशिप थी देश की। मैं आज आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं सेना एक ऐसा उदाहरण है जो हमारी सिख पलटन होती हैं, मुस्लिम पलटन होती हैं और हिंदू होती हैं, मिक्स होती हैं, यह फैक्टर हमारे लिए नहीं आता। हमारे को सिर्फ राष्ट्र का फैक्टर आता है जो राष्ट्र सर्वोपरि है। ये जो सिनारियो जो आपने क्वेश्चन पूछा, जब हम ये चीजें देखते हैं और हमारे जवान देखते हैं, इसका एक दुष्प्रभाव पड़ेगा कि ये एक गंदगी है, मैं इसको गंदगी कहूंगा। हम लोग इन चीजों से ऊपर हैं और पूरे देश को आर्मी से लेसन सीखना चाहिए कि उनका धर्म सिर्फ एक प्रोफेशन है, एक राष्ट्रीय धर्म है, जिसे पूरे विश्व को एक मैसेज मिलेगा। मैं आपके माध्यम से सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से ये एक निवेदन करूंगा और अपील करूंगा, प्लीज राष्ट्र को धर्म बनाइए और दूसरा कोई धर्म मत करिए इस देश के अंदर, देश सक्षम और सुदृढ़ बनेगा। थैंक यू। गोपाल सिंह, जिस तरीके से राहुल गांधी ने दो सवाल खड़े किए थे कि एक बरस बीत चुके हैं और उसके बाद अभी तक क्या हुआ, जांच का विषय है, संजय गुप्ता भी बार बार कह रहे हैं, तो ये कोई गलत बात तो नहीं है? हमें मजबूती तो देनी, हमें अपने सेना को मजबूत करना है, सरकार भी उस दिशा में प्रयास कर रही है, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से बात कही गई वो कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है सेना को भी? मैं सभी को पहले प्रणाम नमन वंदन करता हूं। एक जवान जब सेना के अंदर भर्ती होता है तो तीन बातें अपने दिमाग में लेके चलता है, नाम, नमक और निशान। नाम उसके शहर का, गांव का, पिताजी का, माताजी का और यानी देश का नाम उसके साथ में होता है। नमक देश का खाता है और जिस यूनिट में जाता है उसका खाता है, और तिरंगा निशान उसके लिए। इन तीनों के लिए यानी पूरे राष्ट्र के लिए वो सब कुछ यानी अपनी शहादत तक देता है। लेकिन जितने पर भी हम देख रहे हैं पॉलिटिशियंस या जो कही उन्हें, किसी एक का बच्चा शायद सेना में होगा। हमारे बच्चे अभी सेना में हैं। उदित राज 1971 एक सेकंड में 1971 में मैं भर्ती होकर के 37.5 साल देश की सेवा की। कितना परिवर्तन आया, हम सारे परिवर्तन को देखते आ रहे हैं। उस वक्त हमारा कोई शहीद होता था तो उसको वहीं की वहीं उसका क्रियाक्रम किया जाता था, अब कम से कम उसकी बॉडी आपके पास तक पहुंचती है। एक बिहार के मंत्री या जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने कहा था कि फौज में जो भर्ती होता है वो तो मरने के लिए ही होता है। शर्म आती है हमें और हमारे बच्चे, ये ना सोचिए चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं पार्टी के बारे में नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि जो भी पार्टी वाले जितने पर भी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस तरह के बयानबाजी करते हैं,
जब उनकी सरकार होती है तो सेना भी उनकी होती है, जो दूसरी सरकार होती है तो सेना भी उनकी होती है, और इस देश के लिए होती है, ना कि किसी पार्टी के लिए। इसलिए इस तरह के बयानबाजी से न केवल पूर्व सैनिकों के ऊपर, लेकिन जो सैनिक अभी सेवारत हैं उनके यानी मोराल के ऊपर, देशभक्ति को लेते हुए, राष्ट्रप्रेम को लेते हुए, उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैं हाथ जोड़ करके कृपा करके अनुरोध करूंगा कि आप ऐसे बयान, चाहे कोई भी पार्टी का क्यों ना हो, बयान ना दें। रही बात जो आपने सवाल पूछा उसकी, कि यदि ऐसा हुआ था, पुलवामा में अटैक हुआ, वो सभी जानते हैं, 14 फरवरी 2019 को पूरा देश जो है हिल गया था, घर घर के अंदर जो है एक दूसरा माहौल बन गया था। यदि उसके लिए इंक्वायरी की बात है, इंक्वायरी की जा रही है या नहीं हुई है तो की जानी चाहिए, वो बात कहना सहज रूप में बताया जा सकता है, लेकिन सेना के ऊपर सवाल उठा करके, उनके मनोबल को गिरा करके यदि आप सवाल करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से करते हैं, वो बिल्कुल ही अवांछनीय है और ये नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। सुनील कौशिक, क्या लगता है, अनिल मिश्रा जी ने जैसे अपनी बातें रखी कि कहीं ना कहीं लगता है कि जब राहुल गांधी बयान दिए और उसके बाद नेताओं पर तो कंट्रोल है नहीं, ये बयानवीर जो सामने आने लगते हैं अपनी कद बढ़ाने के लिए करते हैं, या इसके पीछे अगर दूर तक जाऊं तो 2022 का कहीं ना कहीं चुनाव है, एक खुद उदित राज जिनके पिता एक्स आर्मी मैन है, वो इस तरह की बयानबाजी अगर करें और वो जाति की बात करें जो पहले एक सरकारी पद पर, बड़े पद ओहदे पर रह चुके हैं राजनीति में आने से पहले, तो फिर लगता है कि फिर आप जातिगत राजनीति पर तो आप ही उतर रहे हैं। जब आपने एक सरकारी ओहदे पर आप मौजूद थे और बड़े पद पर मौजूद थे राजनीति में आने से पहले, आज जब राजनीति में आपने एंट्री ली तो सोच वही चली गई। श्वेता, यदि उदित राज की बात की जाए तो वो तो केवल दलित की राजनीति करते आए हैं और कर रहे हैं इस समय। जब 2014 में बीजेपी से सांसद बने और 2019 तक बीजेपी में रहे, जब टिकट नहीं मिली, तो आज बीजेपी उनको बुरी लग रही है, आज कांग्रेस अच्छी लग रही है। उससे पहले बहुजन समाज पार्टी में रहे, फिर उससे पहले एक उन्होंने अपना दलित संगठन बना रखा था। तो ये तो नेताओं की बात है। आजम खां का भी बयान आपने देखा होगा कि धर्म से संबंधित जो बयान आया, बिल्कुल निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल इतना निंदनीय है कि जिसकी निंदा की जाए वो कम है। और देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है आज की स्थिति में, हम एक दशक की बात करें, एक दशक में नेताओं का आचरण इतना गिर चुका है कि शर्म आती है, ये कैसे शासन कर रहे हैं, किस तरीके से ये शासन की सत्ता तक पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता का भी इसमें दोष है, हम लोगों का भी दोष है कि ऐसे नेताओं का बहिष्कार चुनाव के समय करना चाहिए। जब हमें अधिकार होता है चुनाव के समय वोट देने का, तो निश्चित तौर से ऐसे नेताओं को पहचान करके चुनाव में जो हम अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं उसमें इनको बिल्कुल बाहर करना चाहिए। जनता सैनिक की जो स्थिति है वो सारा देश जानता है, कितने सम्मान के साथ सारे लोग बात करते हैं, सम्मान करते हैं उनका। लेकिन कई एक दशक की हम बात करेंगे, 10-15 साल से जो हो रहा है कि सैनिकों को भी जिस तरीके से लपेटा जा रहा है राजनीति में, चाहे जनरल बीके सिंह रहे, उनको भी तमाम जब कांग्रेस की सरकार थी ऐसे बयान आए, कि संदीप दीक्षित का सेना के बयान में क्या बयान आया, तो ये सब दिख रहा है इसमें। आखिर में सेना को भी अब सम्मिलित करने लगे हैं राजनेता, और ऐसा लगा है। पिछले भी हम दशकों की बात करेंगे, चाहे 1971 की या 65 की हम बात करें, चाहे बांग्लादेश को अलग किया गया हो, तो विपक्ष की भूमिका ये थी जब इंदिरा गांधी ने जब ऐसा कुछ किया। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना सुनील कौशिक, ये तो होता आया है कि जब भी जिसकी पार्टी की सरकार हो उस वक्त देश में कुछ ऐसे हालात अगर बने हैं तो उसका फायदा या उसका नुकसान उस पार्टी को उठाना पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल है, और जिसने फायदा उठाया है कई बार, नुकसान भी झेला है। नहीं, जब जब चुनाव हुआ है और चुनाव जब जब युद्ध हुआ है पाकिस्तान से, उसके बाद देखा जाएगा पूरा इतिहास उठा के, तो कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है चुनावों में, और कांग्रेस को उस समय देश की जनता ने बड़ा सिरमौर बनाया, और जितने भी डिसीजन कांग्रेस ने लिए जनता उनके साथ थी। आज यदि मोदी के साथ हैं तो किसी जमाने में वो कांग्रेस के साथ भी, इंदिरा गांधी के साथ भी लोग रह चुके हैं। तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं ये कि कोई भी यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का या अपने देश से संबंधित कोई मामला आता है तो सरकार के साथ खड़ा होना भी चाहिए देशवासियों को। और जब 1971 की हम बात करेंगे तो इंदिरा गांधी ने जो काम किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी संसद में खड़े होकर के दुर्गा का रूप कहा था कि वास्तव में दुर्गा हैं, तो वो राजनीति अब मुझे लगता है कि नहीं रही है। अब केवल वोट की राजनीति रह गई है। किसी भी तरीके से आप देखेंगे 2019 के चुनाव में कि एक सैनिक का वीडियो आता है, वायरल होता है, प्रकाश होता है, और वो प्रधानमंत्री खिलाफ चुनाव लड़ता है, हरियाणा में भी जाकर के आप किस किस तरीके के सेना के पक्ष में या विरोध में बयान देता है, तो ये देखा है। और एक जाति विशेष के राजनीतिक संगठन ने उसको आश्रय दे रखा था,
तमाम ऐसे बयान उस समय आए, तो ये सैनिकों को भी सोचना पड़ेगा कि वास्तव में रिटायरमेंट के बाद या ऐसी कोई परिस्थितियाँ पैदा होती हैं तो वो राजनीतिक दलों में न कूदें, या वास्तव में आत्मसम्मान सैनिकों को बचाए रखना है या बड़े बड़े अधिकारियों को बचाए रखना है तो राजनीतिक दलों से वो भी दूरी बना के रखें। जी पवन सोम, जिस तरीके से अनिल मिश्रा ने एक पॉइंट उठाया था कि ये देखा गया था, जुडिशरी की बात कर ले या फिर हम सेना की बात कर ले, ये दो ऐसे सेक्टर थे जिस पर जल्दी सवाल खड़े नहीं करते थे, हमें पूरी निष्ठा के साथ हम जब भी इसकी बात करते थे तो हमें भरोसा होता था। और अगर हम देखें तो इन दिनों जिस तरीके से सेना को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है या जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जुडिशरी में भी हम देख रहे हैं कि लगातार उस तरीके की बयानबाजी हो रही है। और अभी तो टेलीकॉम वाला सर, ये जो मैटर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उस आदेश को टाला गया और वो तो बीजेपी के कार्यकाल में ही हुआ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। तो कहीं ना कहीं अब ये दो जो सेक्टर अछूते थे, अब इसे भी राजनीति में घसीटने की कोशिश। जी, पवन सो जी, देखिए जैसे हम लोग अभी पुलवामा के अटैक के बाद में जो हम लोग बात कर रहे थे कि एक साल लगभग हो गया है और एक साल के बाद भी अभी तक उस इंसिडेंट को कोई भुला नहीं पाया भारतीय, क्योंकि वो इंसिडेंट ऐसा था कि उसमें एक साथ हमने बहुत सारे वीर जवानों को खो दिया था। इसमें कोई डाउट या डिबेट नहीं है कि वो जवान इस देश के लिए कितने अमूल्य थे और किस तरह से उनका सम्मान उनकी शहादत को मिलना चाहिए था और मिलना चाहिए। लेकिन हमारी जो पार्टियां हैं उसमें चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या और कोई अन्य दल, समाजवादी पार्टियां, बहुत सारे दल, कोई भी दल का नेता भारतीय सेना के लिए बहुत सीरियस कभी नहीं दिखा आज तक। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी बयान इस ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में जहां उनको बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सेना जो भी कार्रवाई करती है, सेना का जो भी कुछ चीज़ें होती हैं वो देश के हमेशा हित में होती हैं। उसमें कभी भी ये कहना कि अभी देश हित में नहीं थी, दिल लेट से किया, ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो हमारी रूलिंग पार्टियां हैं, दोनों को ये समझना पड़ेगा कि इस सेना के पराक्रम को आप कम करके आंकेंगे तो कल को बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, क्या वो सेना को सम्मान की निगाह से देखेंगे? क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनको भी आगे जा करके सेनाओं में भर्ती हो सकते हैं और देश के सम्मान के लिए उनको आगे जाना पड़ेगा। लेकिन सारी की सारी विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं आजकल इसके पीछे लग गई हैं कि कुछ ना कुछ सेना को कहा जाए, उसका मनोबल गिराया जाए। लेकिन शुरू किसने किया था? मैं देखता हूं कि जब हमने पीछे अभी एक एयर स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान में, तो उस वक्त बीजेपी ने ही इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कहा था कि साहब हमने इतना बड़ा काम किया है, जबकि इस तरह की स्ट्राइक पहले भी हुई थी लेकिन उनको पब्लिकली नहीं किया जाता, क्योंकि ये सेना का अंदरूनी मामला है और ये सुरक्षा जुड़ा हुआ बड़ा गोपनीय मुद्दा होता है। बीजेपी के लीडर अनिल गोयल हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़े हैं, तो उनसे इंट्रोडक्शन करा देती हूं। और अनिल जी, आपने सुना किस तरीके से पवन सोम कह रहे थे, उसके पहले भी तमाम हमारे पैनलिस्ट अपनी बात रख रहे थे, क्या माना जाए सर? आप कहेंगे कि ये तो उदित राज बोल रहे हैं, ये तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी कह रहे हैं, और आज से नहीं 2016 उसके पहले भी चले जाएं तो कांग्रेस ऐसा करती आई है, लेकिन आपकी पार्टी भी अछूती नहीं रही है, कहा जा रहा है, एक पैनलिस्ट ही कह रहे हैं, और ये बात भी है कि कहीं ना कहीं जिक्र सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे एयर स्ट्राइक का जिक्र तो आपने किया कि हमारे कार्यकाल में हुआ, तो क्रेडिट तो लेने की कोशिश की गई ना सर? नहीं, ऐसा नहीं है जी। अगर आप अच्छे काम का क्रेडिट नहीं अच्छे काम का आप सर पहले मेरे पूरी बात सुनिए, मेरे सुन, अच्छे काम का क्रेडिट लेना चाहिए। जब बांग्लादेश और हिंदुस्तान, पाकिस्तान हिंदुस्तान लड़ाई हुई थी और बांग्लादेश को अलग करा था, तो उसमें सीधा इंदिरा गांधी जी की तारीफ हुई थी और उसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस टाइम उनको कही थी दुर्गा। अब आप एक बात बताओ कि जब अच्छे काम का उन्होंने करा, बढ़िया काम करा, देश का मान हुआ, सम्मान हुआ, गौरव बढ़ा, और उसकी जब वो बात की तब वो बात नहीं उठ रही, आज वो नई सिरे से बात उठनी शुरू हो गई है। अगर हमारी सेना ने कोई हमारे मतलब ये बात मानो कि हमारे जवान शहीद हुए हैं और अगर हमने उसका बदला ले लिया, तो कम से कम जनता भी तो बदला चाहती थी, जनता के डिमांड भी तो इसका बदला लिया जाए, और बदला लिया है और उसकी जानकारी दी है कि हमने उसका बदला लिया है, इसमें गलत क्या है? सही मायनों में इसको हम राजनीतिक रूप दे रहे हैं, राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। यही है जो पवन सोम जी ने जिसका जिक्र किया, मैं उनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने तो जिक्र किया, लेकिन जो बयान अनिल जी दे रहे हैं, मैं उसी पे आ रहा हूं कि जो अनिल भाई को वो बात पूरी या तो समझ में नहीं है या वो समझना नहीं चाहते हैं, विषय ये नहीं है। जब आप किसी चीज़ का क्रेडिट लेना चाहते हैं तो ज़रूर उसके अंदर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जो अपोजिशन में हैं वो उस पर सवाल उठाएगी। अगर इस देश के अंदर सत्ताधारी सरकार अगर इस तरह की छोटी चीज़ों पे ना जाए, मैं जो पवन जी ने कहा मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि इससे पहले भी इस तरह के सेना के, चूँकि मैं भी सैनिक विहार में रहता हूं,
मेरे अड़ोस पड़ोस में बहुत ही सम्मानित वो व्यक्ति जिनको ने बड़ा बड़ा जिनका रोल रहा है सेना के ऑपरेशंस में, मेरी चर्चा होती रहती है, मगर उनका कभी जिक्र सार्वजनिक तौर पर नहीं होता था। आज जब सरकार उसका उपयोग अपने फायदे के लिए करेगी तो ज़रूर सवाल उठेंगे, और जब सवाल उठेंगे तो आप विपक्ष को देशद्रोही कहने लगोगे, आप ये कहने लगोगे कि इनकी सेना के प्रति आस्था नहीं है। मुझे आप एक बात बताइए कि हम तो इस पर प्रश्न नहीं उठा रहे कि जो लोग कश्मीर के अंदर पत्थर मारते थे सैनिकों को, उनको सरकार ने माफ़ किया, ये सच्चाई है ना? हम तो उस पर सवाल उठाना नहीं चाहते, और आप उनके साथ सत्ता में रहे उस सरकार के अंदर पीडीपी के साथ में, हमने इस पर सवाल नहीं उठाया। मगर विषय ये है कि आज भी जो बातें चर्चा जिसका आप अपने चर्चा कर रही हैं, मैं दोबारा उसको कहना चाहता हूँ कि आज एक साल गुजर गया, वो सीआरपीएफ के जवान थे तो जो उनके अंदर उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे शहीद होने के नाते, सरकार एक साल में नहीं दे पाई है, तो अगर विपक्षी दल बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम यही तो कह रहे हैं कि एक मिनट मेरी सुन तो लीजिए, मगर आप हमें देशद्रोही क्यों मानते हैं? आप चर्चा कर रही हैं, आप हमें देशद्रोही क्यों मानते हैं? हमने इस देश के अंदर सेवा की, इस देश को आजाद कराया है, आप उसके अंदर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर उपेंद्र तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय जी एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की शब्द आप देखें किस तरह से गंदा से फोन लाइन पे हमारे साथ उपेंद्र तिवारी कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार के जुड़े हैं। उपेंद्र जी, यहाँ संजय गुप्ता जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से कि ये सिलसिला जो है ये बीजेपी ने शुरू किया है, बीजेपी क्रेडिट लेना चाहती है, तो विपक्ष में बैठे लोग क्या सवाल नहीं खड़े करें? क्रेडिट कैसे ले रहे हैं आप सेना के जवानों पर? अब संजय जी से पहले ये पूछिए कि एक दौर हिंदुस्तान के अंदर ऐसा भी था कि हमारे देश के सैनिक सीमा की सरहद से होते थे और उनके सर कलम करके आतंकवादी लेके चले जाते थे, हम हाथ से हाथ रखे बैठे रहते। किस तरह के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? बॉम्बे के अंदर, अरे भाई साहब आपका 56 इंच का सीना है, 1 इंच पाकिस्तान की जमीन आपने ली है। संजय जी सुनने की कैपेसिटी रखो, सुन लो, अरे संजय जी सुन तो लो, आप सुन तो लो ना, आप सुन तो लो, आप सुनने की कोशिश तो करो, ये आवाज नहीं हो पाएगी, आप सुन तो ले, एक मिनट सुनने की कैपेसिटी नहीं। तो उसी भाषा का जवाब देने के लिए आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल मैंने वैसी कोई भाषा नहीं कही, मैंने ये कहा नहीं, है। उपेंद्र जी आरोप ये है कि उकसाया जाता है आपकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से उकसाया जाता है, आप कहीं ना कहीं पहले आपने पॉलिटिसाइज किया है सेना को। ये बताना चाहता हूँ, मोदी से पहले सेना थी नहीं और सेना के लिए कोई काम सरकार ने नहीं किया, ये बताना चाहता हूँ। हमारे देश के सैनिक पाकिस्तान में, इनको पता नहीं है कि जो भाई साहब बात कर रहे थे कि दो हिस्से किए तो इसी सेना ने किए थे, इसी कांग्रेस पार्टी को पता ना, और इसी कांग्रेस पार्टी विजय सिंह राहुल साहब और अरविंद केजरीवाल ने मांगा था ना इस दिल्ली में बैठ करके। अरे भाई साहब उसी केजरीवाल को आतंकवादी भी आपने कहा था और लोगों ने आपको शक्ल दिखा दी, आपका चेहरा दिखा दिया, जिसको आपने आतंकवादी कहा, और आप तो रेस में ही नहीं आए संजय जी, जिनकी जमानत जब्त कहा ना चुने हुए मुख्यमंत्री को, लोगों ने चेहरा दिखा दिया, गोली मारो सालों को आपका चेहरा दिखा दिया और आपको आपके घर वापसी पैक करके उल्टा भेज दिया। संजय जी आप लोग सर जी उपेंद्र जी, संजय गुप्ता का ये आरोप है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जब से बीजेपी सत्ता में आई है तो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि इसके पहले सेना के जवानों ने कुछ काम ही नहीं किया, आपने कहीं ना कहीं शुरुआत की है उसी सिलसिले को विपक्षी पार्टी जो आगे बढ़ा रहे। संजय गुप्ता को पहले कहिए कि सुनने की आदत डालें तो मैं उनके प्रश्नों का मैं जवाब दे रहा हूँ, अगर सुनने की आदत डालें तो तब उनको जो पूछना होगा वो हमसे पूछेंगे, हम उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। इस हिंदुस्तान की जनता ने 7 सालों तक कांग्रेस आपने सुना ही नहीं, क्योंकि आपके काम की बात नहीं है, हाथ रखकर के उस समय की सरकारें बैठा हुआ करती थी, चाहे यूपीए 1 यूपीए 2 इसी घटना पे सवाल है जो लेकिन एक पूरे की घटना हुई तो माननीय मोदी जी ने साबित किया, मोदी जी ने तो पूरा सीना में 112 भारत उदय कर दिया है,
मोदी जी के आने के बाद तो पूरा देश बदल गया है। घटना पे हमारे देश के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया पाकिस्तान में घुस के, तो इसी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने और आप पार्टी के लोगों ने दिल्ली में। अरे जनाब, कभी मोदी साहब बॉर्डर पे जाके कभी ना ट्रैवल आप भी आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, इतनी बड़ी बात कर रहे हैं आप मोदी जी, आतंकवादियों के हौसले फर्स्ट हो गए। नहीं तो आप यही कह रहे हैं ना उपेंद्र जी, ये राजनीति जो है या सेना का पॉलिटिकाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस कर रही है। अनिल जी फोन पर आवाज नहीं जा पा रही। जबरदस्त स्टेटमेंट दे दो आप इसके संबंध में। उपेंद्र जी, अरे तो आप कैसे बोल रहे हैं? अनिल जी आ रही हूं। उपेंद्र जी, आप यही कह रहे हैं कि आप बीजेपी नहीं कांग्रेस इस पर सेना पे पॉलिटिसाइजेशन, सेना को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? कैसे बताइए, मोदी जी ने 56 इंच में 112 इंच का सीमा वो किया और इसे सीख लेनी चाहिए कांग्रेस के लोगों को। और जहाँ देश की सुरक्षा का मामला है सर, इस पर एक और डिबेट हो जाएगी, बनाए रखने का मामला है। अरे 56 का आपने, 56 का आपने दोगुना कर दिया सर, इस पर एक और डिबेट बैठ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए एक और, यही होता है शायद सुनील कौशिक, यही होता है। मैं आ रही हूँ संत पाल जी और गोपाल जी आपके पास आऊंगी, लेकिन सुनील कौशिक क्या यही होता है कि वार पलटवार की राजनीति में हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम क्या लाइन और लेंथ ले रहे हैं, बीइंग अ लीडर हम क्या कह रहे हैं, शायद इसका ध्यान नहीं रहता। अभी जिस तरह से उपेंद्र तिवारी ने कहा, आप वो बातों को रख सकते थे जो चर्चा चल रही थी कि अगर इंदिरा गांधी ने जो काम किया जिसका क्रेडिट कांग्रेस ने लिया, तो फिर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की बात करना कहां से आप कह सकते हैं कि ये बेईमानी हो जाती है। लेकिन आप देखिए, एक इंच और आगे बढ़ गए, 56 इंच हमने 112 इंच का सीना दिखा दिया, तो क्या ऐसे नहीं लगता कि प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है? श्वेता, जो एयर स्ट्राइक इन्होंने किया उसका जवाब देश ने दिया पूर्ण बहुमत के साथ। आपकी 2014 की अपेक्षा पूर्ण बहुमत से साथ सरकार आपकी आ गई, 303 सीटें आ गई, ये देश ने दे दिया। लेकिन एक साल जिन सैनिकों के शहीद हुए हो गए, क्या देश, विपक्ष, जनता, सैनिकों के परिवार ये जानना नहीं चाहेंगे कि उनके पीछे कौन था? और ये केवल आप ये कह देंगे कि पाकिस्तान, केवल पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान ने बम नहीं बरसाए। जिन लोगों के घर पे वो रहे होंगे, जिनकी गाड़ी यूज होगी, जिन्होंने वो सिस्टम सेट किया होगा, वो इस देश के लोग हैं। और उसमें से एक चेहरा देवेंद्र सिंह नाम का निकल के आया, तो देवेंद्र सिंह के पीछे भी कौन होंगे? तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आखिर में कि आप पे जिस भरोसे के साथ आपको देश सौंपा है, जिस भरोसे के साथ देश को कांग्रेस के हाथों सौंपा था, तो कांग्रेस ने वो करके दिखाया। अब वो हाथ में आपके है, तो आपसे भी उम्मीद जनता करती है कि कम से कम वो चेहरे जो सामने निकल के आए, जो लोग दोषी हैं, एक साल में यदि आप इतनी बड़ी जांच नहीं कर पा रहे हैं तो देश कैसे भरोसा करेगा कि आगे ये परिस्थितियां बनेगी तो आप उनको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और उस वक्त भी इंटेलिजेंस फेलियर साबित हुआ था, बल्कि उस समय तो सामने भी आया था सर कि पहले से इनपुट्स थे और शायद उन्हें एयरलिफ्ट करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त उतना ध्यान नहीं दिया गया। अनिल गोयल जी, पूछिए तो इस मैटर को क्लियर करना चाह रहा था जी। अभी इतनी बहस हुई, आपने देखा जब भाजपा के प्रवक्ता अनिल गोयल जी आए तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया आपने सुना, तो मैं जो कर रहा हूँ ये जो विवाद है वो क्यों है इसका कारण जानिए। अगर 71 का उदाहरण इन्होंने ही दिया, 71 में या उसके पहले जितने युद्ध हुए उस वक्त की जो सरकारें थी, वो युद्ध होता था या कोई बड़ा काम होता था तो उसके एक घंटे के अंदर आकर स्टेज पर अपना सीना नहीं ठोकते थे, अपनी वाहवाही खुद नहीं करते थे, जैसा ये खुद कह रहे हैं और बाकी देश कहता है कि अटल बिहारी वाजपेयी तक ने बड़ाई की, पूरा विपक्ष बात करने लगा, सत्ता पर चुप हो जाता था। उस वक्त आपके कार्यों की प्रशंसा विपक्ष करता था जिसकी इतनी महत्ता बढ़ती थी, लेकिन आज हो क्या रहा है, उलट। आप सत्ता पक्ष कोई कार्रवाई करते हैं निश्चित रूप से अच्छा होता है, लेकिन कोई जानने पाए उसके पहले आके आप खुद अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं और एक इंच को 10 इंच के बराबर बताने अभी लगते तो कह दिया हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर एक कहीं ना कहीं विपक्ष या जनता को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आप थोड़ा धैर्य बना के रखें, एक सत्ता की गरिमा बना के रखें, सरकार की गरिमा बना के रखें, निश्चित रूप से विपक्ष और सत्ता आप मजबूर होगी आपकी बड़ाई करने के लिए। एक मिनट में एक बात और कहना चाह रहा था, लेकिन बात यहां ये आ रही है कि पुलवामा हुए इतने दिन हो गए, एक साल हो गया, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभी छोटी छोटी घटनाएं कई हुई तो देखिए अचानक जांच कितनी तेजी से होती है, 3 दिन में फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है और बड़े बड़े नाम डालकर या जो भी कहां से छुपा के संगठन और क्या निकाल दिए जाते हैं। पुलवामा जैसा अटैक जहां गृह मंत्रालय ने एक दिन पहले अलर्ट की सूचना दे दी थी और उसके बाद होता है इतना बड़ा घटना होता है, और अगर आज
हम ये नहीं पता और कोई जवाब दे ही भी नहीं। अब सुनिए उस पे जो जो ये डीएसपी देविंदर सिंह है ये उस वक्त वहीं पर पोस्टेड था बिल्कुल। ये साल भर सरकारी नौकरी पे बना रहता है, अभी एक महीने पहले अरेस्ट किया जाता है, कहां तार कैसे जुड़े हैं? निश्चित रूप से भारत में ही कहीं आतंकवादी बैठे हुए हैं, आप क्यों नहीं आज तक इसको पकड़ पाए? और मैं तो कहता हूँ कि विपक्ष के पूछने के पहले आपको सरकार को घरे में बताना चाहिए कि सवाल उठे हैं, ऐसा नहीं है उस समय पूछताछ करके छोड़ा गया था, तो आपको शक नहीं होता है? इतना बड़ा हमला हो जाता है अनिल गोयल जी, कहां कहां कमी कहां चूक रह गई? हालांकि लहजा गलत अगर हो सकता है कि किसको फायदा हुआ, लेकिन आगे के दो सवाल तो राहुल गांधी के सही थे। जांच हुई, कुछ मैटर सामने आया कि कौन दोषी है, कौन जवाबदेही देगा इसका, उस पर एक भी अनिल गोयल नेता मंत्री ने नहीं बोला आज तक। नहीं देखो, आप जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका मत निभाओ और आरोप की भूमिका निभाओ तो इसका कोई जवाब नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ आप मांगो, एयर स्ट्राइक का प्रूफ आप मांगो, सेना के करे हुए काम को प्रोत्साहन देने की जगह उनको हतोत्साहित करने का काम आप करो और उसके बाद में आरोप भी आप लगाओ। अरे मैं तो जब हमने समझदार विपक्षी भूमिका निभाकर, श्वेता जी हमने सर, अब देखो मैं जब आपको सुन रहा था सर, मैं आपको सुन रहा था सर, उत्तराखंड में आपकी सरकार है ना सर, श्वेता जी उत्तराखंड में आपकी सरकार है ना, कल मैं खबर पढ़ रही थी, बरसी थी सर, और वहां पहुंचते हैं कुछ जवान वहां श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उन्हें वो चीजें अभी तक नहीं मिली हैं जो मिलनी चाहिए थी, ये हकीकत है सर। और ये सवाल उठाना हर एक शख्स की जिम्मेदारी बनती है, हालांकि विपक्ष ने कोशिश जरूर की लेकिन तरीका गलत था। अब हम तरीके पर आ गए हैं लेकिन आप उस जवाब सवाल को गोलमोल कर रहे हैं सर। आप बताइए जांच हुई, जांच की रिपोर्ट कब तक आएगी, आप ये जवाब दीजिए। श्वेता जी मैं एक एक बात का मैं जवाब दे रहा हूँ, हर एक बात का जवाब तो नहीं दे सकता। संजय गुप्ता ने क्या कहा, आप छोड़ दीजिए अभी। आप सर सुन तो लें, ये तो नहीं है संजय गुप्ता कह के बैठ जाए, हम सुन के बैठ जाए, ये तो नहीं हो सकता ना जी। नहीं नहीं आप बोलिए ना सर, आप बोलिए, जांच का विषय है, जांच हुई, जांच सामने आएगी, जांच का विषय है तभी तो देवेंद्र कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा हुआ। अगर कहीं ना कहीं जांच सर, अब देखो श्वेता जी, अब आप इसकी उनकी सरकार की भी अपनी कोई सीमाएं हैं, जांच एजेंसियों भी अपनी कोई सीमाएं हैं, उनके भी अपने कोई तरीके हैं, लेकिन एक बात यह है कि जो हो रहा है उसकी तो हम कम से कम तारीफ करना शुरू सीखें। और दूसरा जहां ये बात करें श्रेय लेने का बात है, श्रेय लेने के लिए अब विपक्षी दलों का जब इसमें कमियां ढूंढेंगे, जब विपक्षी दल कमियां ढूंढेंगे तो हमें अपनी बात तो रखनी पड़ेगी। जब हम अपनी बात ही नहीं रखेंगे, जब हम अच्छा दूसरी बार पहले नहीं उठाया ये मुद्दा, छप्पन नीचे सीने की जो बात करते हैं, धारा 370 हमने खत्म करी, इनके अंदर हिम्मत नहीं थी, 35 से हमने खत्म करी थी, इनकी हिम्मत आज पुलवामा में बात हो रही है। पुलवामा की बात सुनो सर, सर पुलवामा की बात सुनो, सारे दोहे सारे जुमले आप लोगों ने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? श्वेता जी एक क्वेश्चन मुझे पूछना है, मैं पूरी कर लूं आज सबके सवाल, अनिल गोयल जी आज सबके सवाल आपके ऊपर आ गए, मैं दूंगा से दूसरे दिन गृह मंत्री आके कितने मरे उसकी संख्या बता देते हैं, जब विपक्ष कहता अभी सेना का अध्यक्ष नहीं बता पा रहा, तुमने कहा बताया तो दूसरा मंत्री बता देता, वहाँ इतने कनेक्शन पाए जाते हैं, जब इस तरह की घटनाएं होने लगती है तो निश्चित है फिर उस पर प्रश्न उठने। इसीलिए नहीं, सुनील कौशल ने एक बात उठाई थी और ये बात पॉइंट भी है, संतपाल जी और गोपाल जी से मैं पूछना चाहूंगी, अनिल जाती हूं मैं आपके पास। सर एक बात बताइए, जब भी इस तरह की कोई चीजें होती है, सेना बहुत सीक्रेसी मेंटेन की जाती है सर, लेकिन कई बार हमने देखा है कि कई बार सेना के जवान जब रिटायर्ड हो जाते हैं वो कहीं जाके कुछ ऐसी बयानबाजी नहीं या फिर वो फ्लो में बोल जाते हैं जो लगता है कि किसी के फेवर में है, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये बात उठती है। हमने एक दो बयान ऐसे देखे हैं, सुनील कौशल आप इसमें समर्थन करेंगे कि एक दो बयान ऐसे कई बार आए, वीके सिंह के भी बयान को राजनीति में आना भी नहीं चाहिए। तो क्या सर ये कहीं ना कहीं आप लोगों की ड्यूटी नहीं बनती है कि इससे अलग रहा जाए? कहीं ना कहीं ये सीमा क्रॉस हुई है इसलिए ये ज्यादा इंटरफेरेंस हो रही है। संतपाल जी पहले आपसे पूछूंगी फिर गोपाल जी के पास जाऊंगी। श्वेता जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है एक सैनिक का, सिपाही टू फील्ड मार्शल, उसको एक बड़ा लिमिटेड रहना चाहिए जो हमें सिखाया जाता है, और सर्टन जो मुद्दे होते हैं, जो स्ट्रेटेजी होती है, जो एक्सपीरियंस होता है लोगों को, वो आउट नहीं होना चाहिए जहाँ पे भी ऑपरेशन वेल। मैं आपको बॉम्बे का ऑपरेशन देता हूँ, जो अटैक हुआ था वहाँ पे मीडिया था, मीडिया से बिकॉज उनकी ये नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान को जो उनके कमांडर्स जो है, जब हमने इसकी इंटरोगेशन हुई, जो रिपोर्ट होती है ऑपरेशन के बाद
केस स्टडी होता है, हर जगह केस स्टडी होता है, कोई भी चाहे हम सक्सेसफुल रहे हो चाहे अनसक्सेसफुल। तो जो आपने बिल्कुल बात सही कही है कि ये बड़ा एक हमें फ्लो या वैसे भी इंटेंशनली भी अनइंटेंशनली भी हमको लीक आउट नहीं करना चाहिए। करेक्ट। देश की सीक्रेसी सबसे बड़ी चीज है किसी भी ऑपरेशन के लिए सबसे। आपको मैं उदाहरण देता हूं, रशिया लास्ट 10 ईयर से थोड़ा बहुत वहां पे है, उससे पहले ना उसके इक्विपमेंट की हमको नॉलेज, ना टेक्नोलॉजी की, ना कोई पेपर में, ना कोई लिटरेचर में, ना कोई नेशनल लेवल पे। उससे एक देश की सुरक्षा एक कवच है, इंफॉर्मेशन एक सबसे बड़ा देते हैं सर, हम तो सब खोल के रख देते हैं, हम तो गुणगान ये नहीं होना चाहिए। ये इन पे श्वेता, जब मुंबई हमला हुआ तो सेना ने जब अपील की तो मीडिया ने उसको माना भी, लेकिन जिस तरीके से मीडिया ने दिखाया देश को, ये मैच्योरिटी नहीं थी उस वक्त, उसके बाद गाइडलाइंस भी तो बने, कई गाइडलाइंस गलती करते हैं उसको फिर उससे सीख लेते। लेकिन गोपाल सिंह, कई बार हमने सीआरपीएफ के जवानों के वीडियोज देखे हैं जिसमें वो अपील कर रहे हैं, उनकी दयनीय स्थिति के बारे में बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कितना मुश्किल होती है उनकी ड्यूटी और किस तरह उन पर अत्याचार किया जा रहा है। इस तरह के वीडियोस आपके पास भी पहुंचे होंगे सर, तब कहीं ना कहीं लगता है कि उस वो जगह जो कवच की बात हम कर रहे हैं कि सेना अपने आप में एक सीक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसमें एक छेद हो जाती है जिसके सहारे कहीं ना कहीं आदमी चाहे सेना के भीतर की बात बाहर आ जाए, लीक हो, या फिर उस पर राजनीति करने का राजनीतिक पार्टियों को एक मौका मिल जाए। आपको नहीं लगता गोपाल सिंह कि ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए? श्वेता जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा दूसरे रूप में कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी 37.5 साल फौज के अंदर रहा हूं, तो जिस वक्त हम ज्वाइन किए थे उस वक्त क्या देश की स्थिति थी, इकोनॉमिक स्थिति क्या थी, हमारे पास इक्विपमेंट क्या थे, किस प्रकार से हमारे पास में रहन सहन रोताब और जिस तरह से हम काम करते थे उसका तरीका तो चलता आ रहा था, लेकिन उसके अलावा जो हमारे इक्विपमेंट या जो भी साजो सामान था लड़ाई का वो कुछ और था, धीरे धीरे परिवर्तित होता रहा। दूसरा, एडवर्सरी आपसे ज़्यादा यानी गेन कर रहा है और आप कहीं दूसरे रूप में रह रहे हो। अभी कारगिल के युद्ध का ही ले लीजिए आप, 1962 की तो मैं बात नहीं करूंगा, कारगिल के युद्ध में भी हमारे जवान कुछ लोग जो है बगैर जूते के ही चढ़ गए और उसके बाद में भी कारगिल जीत हासिल की, और तमाम चीज़ें हैं जो हमारे ऑब्सोलीट चीज़ें होती रही हैं, उनको पैसा होने के बावजूद भी ऑर्डर भी दिया है लेकिन फिर भी ना पहुंची, कम से कम चाहे अब फिर कहेंगे कि आप बीजेपी की तरफ की इतना बात करो, मैं तो यही मैं आने वाली थी सर, लेकिन बात यह कि हमें दिखाई दे रहा है कि सेना हमारे बेटे भी हमारे उस सेना के अंदर है, जरूरत है उस जरूरत को बीजेपी पूरी करे या सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, इसलिए मैं 37 साल के अंदर कहता हूं कि मैं भी इंटेलिजेंस में रहा हूं 3 साल, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम एक शब्द भी बाहर निकलने के बाद भी नहीं कहते, लेकिन हम जिस वक्त एक्स सर्विसमैन होते हैं क्या हम इस समाज के प्राणी नहीं है क्या? नहीं बिल्कुल, क्या हम इस समाज के प्राणी नहीं है? पॉलिटिकल बयान नहीं दे सकते आप, पवन सोम फिर भी आप नहीं मैं बताता हूं, देखिए पवन सोम कल में कल जो अभी जनरल वीके सिंह नहीं बिल्कुल है सर सर, देखिए क्या मैं कल कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं, मैं अमेरिकन इलेक्शन नहीं लड़ सकता गोपाल, गोपाल नहीं आप नहीं लड़ सकते हो इलेक्शन से पहले, ऐसा नहीं है, आप एक्स सर्विसमैन फिर भी आपके बहुत सारी रिस्पांसिबिलिटी है आर्मी के प्रति, आप क्या बात कर रहे हैं, you are getting the pension from army just like media person कर सकते हैं? Just like media person आप उसे public platform पे just like media person, मैं अगर एक journalist हूं मेरी कुछ जिम्मेदारी बनती है, मैं गलत चीजें परोस नहीं सकती ना मैं यूं ही फ्लो में बोल सकती हूं। पवन सोम एक मीडिया की भी बात कर ले जो जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, हम वो खबरें भी नहीं परोस सकते ना हम अपनी बात रख सकते कि मैं क्या सोचती हूं बीजेपी सही है कि कांग्रेस, हमें एक न्यूट्रल पक्ष लेना पड़ता है, ये हमारी जिम्मेदारी है और इसमें जाति धर्म तो आना ही नहीं चाहिए, भट्टाचार्य किस जाति से बिलोंग करती है, इसलिए यहाँ बैठ के दलितों के बारे में बात नहीं कर रही थी क्योंकि वो भट्टाचार्य है तो उसे किसी और कास्ट को वो ज्यादा बोलने का मौका दे रही थी, जो ऐसा सोच रखते हैं उन्हें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए और ऐसी बातों को जोड़ के या इसको तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए, इसको आगे बढ़ाना ही नहीं चाहिए। पवन सोम आप देखो श्वेता जी क्या होता है कि अभी आप देखिए कि अगर हम लोग बात करें वॉर की है तो यूएस में दो मुख्य पार्टियां हैं, ठीक है, आपकी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अभी होता क्या है वहां पर कि एक पार्टी अगर सरकार में है वहां 24/7 अमेरिकी आर्मी जो है वो युद्ध में रहती है, लेकिन आपने एक भी स्टेटमेंट वहां की सरकार के अलावा उसकी पार्टी का सुना है क्या आज तक? लेकिन इंडिया में हालात देखिए कि यहां जो भी पार्टी अगर वो सरकार में आती है तो वो क्या बोलती है कि साहब हमने कल यहां बैठ के एयर स्ट्राइक करी थी, हमने वो किया था है? आपको ये बातें तो अमेरिका से सीख लेनी चाहिए कम से कम सिस्टम से कि वहां तो 24/7 वो लोग युद्ध में ही रहते हैं। आपने सुना है कभी वहां की किसी पार्टी को बयान देते हुए कि साहब हमने कल फलाना काम कर दिया ढिकाना काम कर दिया? भाई ये तो आपको इतना गरिमापूर्ण काम है ये कि ये इतनी सीक्रेसी बरतनी होती है
कि आपको नहीं बताना होता है कि आपने कल क्या किया है, लेकिन आप वो जो अपनी पीठ थपथपाने वाली बात है वो सभी को बुरी लगती है। जो हो रहा है उसके लिए विपक्ष कहेगा कि भाई आपने बड़ा अच्छा किया है, सब लोग कहेंगे, उसके बाद सारा ठीक रहा। पवन सोम जी ने छोड़ देना चाहिए, आप यही कहना चाहते हैं? करेक्ट करेक्ट। संजय गुप्ता जी, क्या लगता है, देखिए मैं फिर एक बार सवाल पूछ लूं, क्या लगता है, क्योंकि अनिल गोयल से जवाब लूंगी और मुझे वाइंड अप करना होगा सर, क्या लगता है सर कि बात तो आपने सही कही, कहीं ना कहीं गलती हो गई कहने के तरीके में, या वो फायदे की बात कह दी गई, या उदित राज ने आज जो जातियों से जोड़ दिया उसमें कहीं ना कहीं चूक हो गई, आप मानते हैं संजय गुप्ता जी? मुझे एक एक 30 सेकंड दीजिए। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये है, मैंने पहले जो शुरू में कहा था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेना इस देश के अंदर जिस निष्ठा से, जिस तन्मयता से, जित अपनी राष्ट्रभक्ति से काम करती है, उसके किसी भी कार्यों पर प्रश्न उठाना मैं समझता हूँ गैरवाजिब है, पहली बात। और सभी देशवासियों को उनका मान सम्मान और नमन और जो चीज़ें उनके लिए कर पा रहे हैं वो कम है। मगर मैं भाई साहब एक मिनट प्लीज मैं बोल लूँ, मैं इसके आगे बढ़ के कह रहा हूँ, जो बात आप कह रही हैं, आप कांग्रेस के बयान से भी, हो सकता है किसी एक शब्द में आपको तकलीफ हुई होगी, इन्होंने ये कहा, चूंकि हम राजनीतिक दल भी हैं, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब एक साल के अंदर सरकार इसकी जांच नहीं कर पाती है, सरकार ये जांच नहीं कर पाती कि वो RDX जो थोड़ा सा भी अगर 100 ग्राम भी हो ना तो हमारी सैटेलाइट पकड़ सकती है, इतना हैवी मेटल है, इतनी बड़ी संख्या में वो RDX मूव हुआ होगा देश में, अगर हमारे पास उसकी जानकारी नहीं है तो प्रश्न उठाना विपक्ष का ही दायित्व है। और हम प्रश्न उठा रहे हैं कि जो लोग जिनकी जान चली गई उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला, उनको जो बेनिफिट्स चाहिए थे वो नहीं मिले हैं, तो ये बातें भी हमने साथ में उठाई हैं। सवाल उठा रही हूं सर। एक मिनट मैडम, वही मैं आपकी बात तो कह रहा हूं, अगर हमने कोई शब्द अगर गलत प्रयोग किया जरूर ये हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि राहुल गांधी के दो सवाल सही थे, मैंने शुरू में ही कहा हम राजनीतिक दल, तरीका आप मानते हैं गलत हुआ, आपको सिर्फ बोलने में क्या जा रहा है सर कि आप क्या सोचते हैं, उदित राज ने जो बातें कही आप क्या सोचते हैं, बस मैं एक लाइन में आंसर, देखिए मेरी बात सुनिए राहुल, आप एक लाइन में आंसर सुनिए ना, राहुल गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता है, मैं उनको कमेंट करने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं हूँ कि उन्होंने क्या गलत कहा, चलिए मान लिया, अगर मैं कह दिया आपने, आप हमारी भावना को देखिए, अप्रोप्रिएट आप नहीं है, इसका मतलब आप मानते हैं कहीं ना कहीं बयान देने में चूक हुई है, बिल्कुल नहीं, अनिल गोयल जी बिल्कुल नहीं, आप वही बात कर रहे हैं सर, गोल 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 इमारती करते रहेंगे सर, मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमने प्रश्न पूछे उनका जवाब कहीं से नहीं आया, आप नहीं करेंगे, आप उसका प्रश्न का जवाब कहीं से नहीं है, खंडन करने के लिए मेरे हिसाब से तो ये आता, अनिल गोयल जी, अनिल गोयल जी कि वो अनिल गोयल जी ने ये थोड़ी गलत बीजेपी ने किया, मैं तो नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूं, आप ही का सवाल पूछ रहे हो, अनिल गोयल जी कंक्लूड करना है, बिल्कुल बिल्कुल, हम सवाल पूछने के तरीके पे ही सवाल उठा रहे हैं, अनिल गोयल जी सिंपल सा जवाब दे दीजिए सर, सिंपल सा जवाब दे दीजिए, जांच हो रही है तो जांच रिपोर्ट कब तक आ जाएगी, क्या ये आदि अनादि काल तक तो नहीं चलता रहेगा, सामने आएगी, आप आज कहते हैं यहाँ शो में बैठ के ताल ठोक के कि हाँ हम जांच कर रहे हैं और जांच की रिपोर्ट आएगी और सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है, जो जो लोग इसमें संलिप्त तो होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी और वो भी देश की जनता को आप बताएंगे। बिल्कुल श्वेता जी, जांच चल रही है, जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, कितने ही से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अगली बरसी का इंतजार करना होगा, नहीं अगली बरसी का इंतजार करना होगा, सेंसिटिव मुद्दों पर जांच बहुत जल्दी होनी चाहिए सर, देखो जल्दी होनी चाहिए, देर में होनी चाहिए, वो हो रही है अपने हिसाब से हो रही है, तो 2024 के लिए तो भविष्यवाणी कर रहे हैं, 40 लोग मारे जाते हैं, 2024 के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं, इंटेलिजेंस सर समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कहां तक टारगेट किया जा रहा है, आप बांट रहे हो सर, कहां तक टारगेट किया जा रहा है, समझ रहे हैं क्या बात है, अरे ये तो वर्तमान सांसद है भाई, पूर्व सांसद है, 5 साल बीजेपी का सांसद रहा है, पूर्व सांसद वर्तमान ये वहां जाकर के, अरे तुम्हारे कंधे पर है जांच कब होगी, जो जांच की बात कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, 2 महीने में होगी, 6 महीने में, खड़े होते हैं और उन सवालों के जवाब देश की जनता को चाहिए कि आखिरकार ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और अगर हुआ ये तरीका गलत हो सकता है विपक्ष का पूछने के लिए, जिस तरीके से विपक्ष ने अपने सवालों को रखा, लेकिन जवाब तो देश की जनता को जो पार्टी सत्ता में है उसे देना चाहिए कि आखिरकार एक बरस बीत चुके हैं और जांच कहां तक पहुंची है और क्या हुआ, क्या ऐसे जो अटैक्स की बात उदित राज कह रहे हैं कि 2024 तक भी कुछ ऐसा हो सकता है, क्या हमारा इंटेलिजेंस इतना सिक्योर है, क्या हम उम्मीद करें कि सरकार इस तरह की घटनाओं को रोक पाएगी, या वाकई में सोचने पर मजबूर होंगे कि कहीं ना कहीं अब इस पर भी राजनीति होगी। आज इसी के साथ चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए R9 TV सिर्फ खबर के लिए।
ये 2024 के पहले भी ऐसे कुछ होगा इस देश में। डूब के मर जाना चाहिए, मौत पर राजनीति करना छोड़।